लेकिन आज भी सरकार नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि जब तक किसान का कर्ज ऋण माफी नहीं होती तब तक मोदी जी मैं आपको सोने नहीं दूंगा। लेकिन आज भी सरकार जागी नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में हारने के बाद भी सरकार के किसान धोरण के बारे में आज भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है और इसलिए किसान कांग्रेस के माध्यम से आने वाले 25 और 26 को चंपारण में 2 दिन का दांडी यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जहां पे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में उस समय में किसानों का आंदोलन किया था। हमारी मांग रहेगी नरेंद्र मोदी जी सरकार को कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो किसानों के जेब से पैसे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने निकाले, लेकिन किसानों के फसलों का नुकसान होने के बाद कम से कम 15,000 रुपये पर एकड़ देने की मांग हमने की थी, आज तक भी किसानों को पैसा नहीं मिला। किसान आयोग का गठन करने की भी बात हम लोगों ने की थी, आज तक किसान आयोग का भी गठन नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया। और किसानों के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की भी बात हुई थी, वो भी ये 5 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार दे नहीं सकी। और इसलिए ऋण माफी ये हमारा अंतिम ध्येय नहीं है, लेकिन आज जो किसान उसमें उस ऋण में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने की बात राहुल गांधी जी ने बार बार की है। और जैसे बोला गया था, जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 12 घंटे के अंदर सब किसानों का कर्ज ऋण माफी करने का काम वहां पे कांग्रेस की सरकार ने की, लेकिन आज भी देश में किसान परेशान है। मैं खुद वाराणसी जाके आया, किसानों ने अपने जमीन का मुबदला मांगने के लिए नरेंद्र मोदी जी को अपने खून से खत लिखकर भेजे थे, लेकिन वो कचरे के डिब्बे में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वहां पे बड़ा आंदोलन किसानों का खड़ा हुआ है। जिस संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी है वहां के किसानों को न्याय नहीं मिल सकता तो देश के किसानों को कैसा मिलेगा, ये प्रश्न हमारा है। किसानों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और नरेंद्र मोदी जी सरकार को सोने नहीं देंगे, यह हमारी भूमिका है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम लोग राजघाट में पूरे देश से 15,000 किसान वहां पे इकट्ठा हो गए और वहां से ही किसानों का संदेश पूरे देश में हम देने जा रहे हैं। जी नहीं, राहुल जी का 3 तारीख को पटना में एक किसान रैली है गांधी मैदान में, लेकिन और हम लोग पूरे राज्यों में, हमारे पूरे राज्यों में हम लोग 25 से 30 तारीख तक पूरे राज्यों में एक आंदोलन ऐसे खड़े होंगे और राज्यों में हमारी संगठन वहां पे आंदोलन खड़े करेंगे।